तो अब आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो हम भिंडी को फ्राई करेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है। और भिंडी को हम छोटी छोटी काट कर फिर फ्राई कर लेंगे। हम पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी अच्छे से फ्राई होने के बाद उसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम अलग से आलू भी काट कर उसको फ्राई करेंगे। देखो मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है, और मैंने उसके बाद प्याज भी छोटे छोटे काटे, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने फ्राई किया है, और मैंने थोड़े से कड़ी लीव्स भी फ्राई कर लिए हैं। और फ्राई होने के बाद ये सारी चीज़ें देखो, ये हमने उसको अलग से रखा है। उसके बाद हम जीरा डाल के उसको तड़का लगाएंगे, और थोड़े से करी लीव्स डाले हैं मैंने। जैसे लहसुन ऊपर आ जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद हम उसमें पहले आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद हम उसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी डालने के बाद प्याज ऐड करेंगे, जो हमने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से उसको हल्के से मैंने फ्राई किया था। इसके बाद उसको हम मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे फ्राई किया है। तो मैंने जो ऑयल बचा होता है वो आधा निकाल लिया, थोड़ा ही ऑयल रखा है। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। जैसे पहले हम नमक डालेंगे, जैसे आपको पसंद है स्वाद अनुसार। उसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हम धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं और गरम मसाला नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हल्दी डालें इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी। ये सब डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसको ज़्यादा देर पकाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने फ्राई किया है। तो मसाले डाल के थोड़ी देर 4 मिनट तक उसको हम रहने देंगे। तो ये है हमारी भिंडी आलू प्याज की सब्ज़ी रेडी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।